नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम्स 24। झांसा देकर बैंक से रुपए निकालने वाला शातिर अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। उरई जालौन साइबर सेल जालौन व थाना कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा लक्ष्य डिजिटल इंडिया ऐप में इन्वेस्ट कराने का झांसा देकर पीड़ित के खाते से रुपए निकालने वाला अंतर्राज्यीय अभियुक्त एवं ईएलपीएस के माध्यम से रुपए निकालने वाले अभियुक्तगण राम मिलन यादव पुत्र हरिओम यादव निवासी महूनी का डेरा थाना चिरगांव जिला झांसी को दो अदद मोबाइल एवं पीड़ित के खाते से 54,212 रुपए अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी से निकाल लिए गए, जिसके संबंध में कोतवाली उरई में मुकदमा अपराध संख्या 672/22 धारा 420 बनाम राम ललन यादव के खिलाफ पंजीकृत किया गया। मुखबिर की सूचना पर झांसी चुंगी रोड के पास से दिनांक 28 दिसम्बर समय लगभग 11 o'clock बजे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली में मुख्य रूप से उप निरीक्षक विनोद कुमार कोतवाली उरई, उप निरीक्षक राहुल सिंह प्रभारी साइबर क्राइम सेल, हेड कांस्टेबल वीर विक्रम सिंह साइबर क्राइम सेल, कांस्टेबल आलोक यादव, कांस्टेबल अंकुश संखवार, कांस्टेबल कृष्णवीर, कांस्टेबल दिलीप आदि गिरफ्तार करने वाली टीम में मौजूद थे। देखिए, अभी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसमें साइबर सेल के कुछ गुड वर्क्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बुलाई गई है। इसमें साइबर सेल ने दो अलग अलग घटनाओं में कुल 3 अपराधियों को पकड़ा है, जिसमें एक अपराधी राममिलन यादव करके है, ये खुद को पत्रकार बताता है, और इसने जो है लोगों के साथ ठगी करने के लिए एक ऐप के माध्यम से लोगों से पैसे जमा कराता था और उसके बाद उस पैसे की ठगी करता था। तो लक्ष्य ऐप करके इसने एक ऐप डेवलप कराया था, तो इसको साइबर सेल ने पकड़ा है इस घटना का खुलासा करते हुए। साथ ही साथ इसके ऐप के माध्यम से जो लगभग 10 लाख और 11 लाख के बीच की कुछ राशि है, 10 से 11 लाख रुपये इसके ऐप में पड़े हुए थे, उसको भी फ्रीज कराया है और अब इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एक दूसरा प्रकरण है जो कि आधार बेस्ड जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है उसके माध्यम से ये लोग फ्रॉड करते थे, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक का नाम है नीरज पाल जो कि झांसी का रहने वाला है और दूसरा एक कपिल पांडे है जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ये लोग लोगों के साथ ठगी करने के लिए उनके फर्जी आईडी और आईडी को यूज़ करके फर्जी सिम बना लेते थे। उनके नाम पर उन लोगों को व्यक्तियों को पता भी नहीं रहता था और उस तरह से सिम बनाकर और उस तरह से फ्रॉड करते थे, और ये आधार बेस्ड इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम